चाह रहा था कि केवल गुजरात के लोग यहाँ नहीं आए थे रोड शो में, मैंने अभी जब बात की तो पता चला कि राजस्थान से भी लोग बच्चे आए हैं मोदी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो में देखने के लिए बाड़मेर से यहाँ तक आना, बस में टिकट कटाकर आना, और इनसे ही बात करें कि नौजवानों में, चूंकि नौजवानों में मोदी को लेकर क्या सोच है, आई क्रिएट गए हैं जो बात कर रहे हो बार बार कि स्टार्टअप के जरिए लोगों को रोजगार देने के लिए नौजवान तैयार हो, रोजगार लेना ना उनका मकसद ना हो, रोजगार देना उनका मकसद हो, तो नौजवानों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम बीकानेर से आए, राजस्थान। बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। क्या मोदी जी को देखने के लिए आए आप लोग? हम मोदी जी को देखने के लिए आए थे कि मोदी जी के पीछे कितने जो मतलब हमारे इंडियंस के अलावा फॉरेनर्स मोदी जी को देखने आए हैं, और हमारे यहाँ पे अच्छी क्रिएशन स्थापित करने आए हैं जिसके उनका भी रोजगार हो और हमारा भी रोजगार हो। दोनों के लोग आईटी क्षेत्र में है, और जब दोनों के अच्छे संबंध होंगे तो दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और उसी टेक्नोलॉजी से हमारे पढ़े लिखे जो युवा है जो उनको रोजगार मिलेगा। आज का सारी रोजगार जो टिके हैं वो टेक्नोलॉजी पे टिके हैं, और जब दोनों देशों के बीच आप लोग स्टार्टअप की बात की जा रही है गुजरात में, आपको लगता है रोजगार जैसे कि हमारे बाड़मेर क्षेत्र में जो रिफाइनरी का जो कार्य हुआ है वो उससे रोजगार मिलेगा, जैसे पीपीपी मोड, स्किल इंडिया, इससे कई युवा जैसे कई लाखों जो रोजगार मिलते हैं और सरकार स्वयं देती है रोजगार और उनसे मिलते हैं रोजगार। आप भी आगे आए, आप तो स्कूल में पढ़ते हैं, 11th या 12th में पढ़ते हैं, आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है, क्या लगता है रोजगार मोदी जी देने की स्थिति में है? एजुकेशन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनका सबके अंदर विश्वास जगाने के रोजगार के लिए कि हमें एजुकेशन में भी आगे जाना चाहिए, जैसे गर्ल्स के लिए भी बहुत सी सुविधाएं उन्होंने प्रदान की है। कोई भी कार्यकाल ऐसा नहीं होगा, कोई भी कार्यकाल बहुत टाइम लगेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो कार्यकाल हुआ था, आज मोदी जी के समय फाइनल ईयर में बता रहे अपने आपको, आप क्या मानते हैं कि रोजगार के लिहाज से मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं स्टार्टअप कितना अच्छा है? ये बहुत ऊंचाई की ओर जाएगा, ये जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं वो बहुत ऊंचाई की ओर जाएगा, और मोदी जी देश के लिए बहुत ही हितकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपना। देखा आपने मानता कि जो नौजवानों में उम्मीद है कि मोदी जी जिस कदम पे जा